अच्छा जी, गुरघटी जो है ना, ये एक कंपोजिट वर्ड है, टर्मिनोलॉजी है, जो अभी तक इस पे लोग काम कर रहे हैं कि एग्जैक्ट इसकी मीनिंग क्या है, लेकिन गोर का मतलब पश्तो ज़ुबान में होता है कब्र। तो और बाज़ लोग ये इसकी ये माने निकालते हैं कि दी ग्रेव ऑफ वारियर, के पाते हैं लोगों की कब्र। तो चूँकि यहाँ पे बहुत से लोग आए हैं, जंगजू लोग भी आए और पाते लोग भी आए, यहाँ से होके गुजरे हैं, लेकिन अभी तक कोई अथेंटिक इसका टर्मिनोलॉजी लोगों ने इंट्रोड्यूस नहीं की, तो इसलिए हम वसूख से कुछ नहीं कह सकते। लेकिन बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि हिंदू का एक मजहबी पेशवा जो कि गोरखनाथ थे, वो यहाँ पे थे, यहाँ पे उसकी एक दुकान थी, उस दुकान की वजह से, दुकान को हम पश्तो ज़ुबान में अटै कहते हैं, तो शायद उस वजह से गोरखनाथ की अटी या गोरखनाथ की दुकान इस वजह से पड़ गई है। तो एग्जैक्ट उसकी वो टर्मिनोलॉजी अभी तक पता नहीं। देखिए जी, गुरघटी का लोकेशन, सॉरी जो मंदिर का लोकेशन है, उसके सामने बिल्कुल मस्जिद है। तो ये इस बात की अक्कासी करती है कि यहाँ पे एक पीसफुल माहौल है, यहाँ के लोग आपस में घुल मिलते हैं मुसलमानों के साथ, तो ऐसी कोई मतलब बात नहीं है। ये लोग बिला हिचकिचाहट के आते हैं अपनी इबादत के लिए, तो बड़ी पीसफुल और सिक्योर वो है माहौल है यहाँ पर। जहाँ तक मेंटेनेंस का ताल्लुक है, तो डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ KPK इसका रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन है। इसकी मेंटेनेंस, इसकी जो कंजर्वेशन वर्क है, जितना खर्चा उस पर आता है, वोट आते हैं, सब कुछ यहाँ पे वो करते हैं, तो उसके कंट्रोल में है। देखिए जी, गुरघटी इस अपनी किस्म की एक ऐसी जगह है थ्रू आउट पेशावर में, कि इसमें आपको पेशावर की तारीख मिलती है। ये एक आपको एक यूनिट कह ले, हिस्ट्री की तारीख की एक यूनिट है। यहाँ पे आपको ज़मीन के अंदर भी तारीख मिलती है और उसके ऊपर भी मिलती है। यहाँ पे गुरघटी कम्प्लेक्स में हमारे पास मुगल टाइम की मॉन्यूमेंट्स हैं, सिख टाइम्स के मॉन्यूमेंट्स हैं, ब्रिटिश टाइम के मॉन्यूमेंट्स हैं। तो गुरघटी वराल पेशावर की एक तारीख को बयान करती है। ये एक डिस्प्ले सेंटर है कि आपको पेशावर की 2000 साल की पुरानी तारीख बता रही कि यहाँ पे कौन कौन से लोग गुजरे हैं और यहाँ पे उनके आर्किटेक्चर क्या था, कितना डेवलप आर्किटेक्चर था। तो बेसिकली ये चीज़ें इसमें पता चलती हैं हमें। आपको पता है कि पूरे पेशावर में ये जो है गुरघटी, ये द मोस्ट एलिवेटेड एरिया है, सबसे बुलंद। तो आर्कियोलॉजिस्ट की इस पे नज़र पड़ी, साइड इससे सरफेस कलेक्शन हुई और फिर इसकी जो नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन है, इसको खुदाई के लिए सेलेक्ट किया गया, उसमें खुदाई हुई। तो खुदाई से बहुत से नवादरात, मुजस्मे, पुराने ज़माने के सिक्के जिसे हम काइंस कहते हैं, वो हमें मिले हैं 1993 और 92 के दरमियान इसमें खुदाई हुई थी, लेकिन वो लार्ज स्केल पे नहीं थी। फिर 2006 और 7 में पेशावर यूनिवर्सिटी और डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी के इन जॉइंट कोलैबोरेशन इसकी खुदाई हुई, तो उससे काफ़ी मकदार में हमें काइंस, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स, स्कल्पचर, सील्स, बहुत से ऐसे नवादरात चीज़ें मिली हैं। देखिए, जब मुगल का दौर यहाँ पे एंड हुआ और सिख आए, तो सिख के बाद डायरेक्ट 1834 में पेशावर का एरिया 1849 में ये अंग्रेज़ों के पास आ गया। तो अंग्रेज़ दौर में गुरघटी को ख़ासी अहमियत हासिल थी। यहाँ पे जो पुराने मॉन्यूमेंट्स थे, उनकी कंजर्वेशन भी उन्होंने की है, मेंटेनेंस भी की है। उस दौर में जो फायर ब्रिगेड का एक बिल्डिंग है, रिजर्व पुलिस, ये भी उन्होंने की है। लैंड रिकॉर्ड कापीज भी ये रह चुका है, और इसमें उन्होंने उसकी जो पुलिस थी उनके लिए हेडक्वार्टर्स, सारी क्वार्टर्स भी उन्होंने बनाए हैं। दो फायर इंजन उन्होंने मंगवाए थे इंग्लैंड से, जो अभी है, और अपनी
मतलब एक एंटीक है, अब वो नहीं है। तो ब्रिटिश दौर में गुरगठरी को खासी अहमियत मिली थी और इसकी मेंटेनेंस पे और इसकी कंजर्वेशन पे खासा काम हुआ है। ये बेसिकली शिवा कल का मंदिर है और ये 1834 और 1849 के दरमियान सिख दौर में बनी है। उनका एक गवर्नर हुआ करता था जो इटालियन नस्ल का था, अबू तबेला, लोकली अबू तबेला उनको कहते थे। तो गुरगठरी का जो मग़रिबी गेट है उस पे उनका एक कोर्ट हुआ करता था और उन्होंने जो पेशावर के मज़ापात में जो हिंदू कम्युनिटी थी शिवा सेक्ट के, तो उनके लिए ये मंदिर बनाई गई थी। बेसिकली बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पे मुग़ल दौर में एक मस्जिद थी, उसको डिमोलिश करके ये मंदिर बनाया गया है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि ये हमारी नेशनल हेरिटेज है। इनकी कोई एक डिपार्टमेंट इसकी अकेले इसकी निगहदाश्त और इसकी हिफाजत नहीं कर सकती, तो पब्लिक के लिए अवेयरनेस पैदा होनी चाहिए कि हमारी पब्लिक मतलब नेशनल हेरिटेज है और हर कोई ये अपना पर्स समझे कि हम इनकी रखवाली करेंगे, इसकी ख्याल रखेंगे ताकि आने वाली नस्लों के लिए ये मतलब महफूज हो सके और अपनी तारीख से वो रोशनास हो सके कि हमारी तारीख इतनी पुरानी थी।